हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम शेली, योर मैथ्स टीचर. एंड स्टूडेंट्स, आज हम टाइम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, यस, आप किस टाइम पर सुबह बेड से उठते हो? आपका अलार्म क्या है? उसके बाद आप कब बात करते हो? नहाते कब हो? फिर स्कूल के लिए रेडी कब होते हो? राइट, फिर आप स्कूल कब जाते हो? आपकी स्कूल वैन कब आती है? आप लंच कब करते हो या ब्रेकफास्ट कब करते हो? आपने यहाँ पर अपनी सभी टाइमिंग मेंशन करनी है. ओके, सो इट्स अ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग टाइम है. उदय, ये बच्चा उदय है. उदय हैज़ टू गो टू स्कूल. नंबर द पिक्चर्स इन द राइट ऑर्डर फ्रॉम द टाइम उदय गेट्स अप टिल ही गेट्स इन टू हिज स्कूल बस. ओके, सो स्कूल बस जाने से मतलब तक ये क्या क्या आपने काम करता है वो आपने सारे मेंशन करने हैं. तो आप अपने अकॉर्डिंग बताना. उदय की जगह पर आप अपने आप को रखना और यहाँ पे टाइम सारे मेंशन कर देना. अब बच्चे, मैंने आपको बताया था, एक तो हमारे पास होता है यस शॉर्ट हैंड और एक लॉन्ग हैंड लाइक दिस. मेरे पास शॉर्ट हैंड कौन सा है? ब्लैक वाला. ये क्या है? शॉर्ट हैंड. और ये मेरे पास क्या है? लॉन्ग हैंड. नज़र आ रहा है ना, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है. और शॉर्ट हैंड को तो बोलते हैं हम हार एंड, जैसे एच ओ यू आर यार एंड्स. और जो हमारे पास लॉन्ग हैंड होता है उसे बोलते हैं मिनट हैंड. ओके, लुक एट दिस. क्या बोलते हैं लॉन्ग हैंड को? मिनट हैंड. शॉर्ट हैंड को आर हैंड. ओके, यस. तो ये मेरे पास हो गया. अब मान लो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे आर्स हमें क्लॉक में नज़र आते हैं. अच्छा, अगर मेरे पास जो लॉन्ग हैंड है वो यहाँ है और शॉर्ट एंड यहाँ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 6 o'clock. क्या कहेंगे? 6 o'clock. और अगर ये शॉर्ट एंड यहाँ है और लॉन्ग एंड 12 पे, ये हो गया बच्चे 7 o'clock. ओके, क्या हो गया? 7 o'clock. की शॉर्ट एंड तो कहाँ है? 7 पे. और लॉन्ग एंड कहाँ है? यस 12 पे. और अगर ऐसे हो जाए, ये क्या हो जाएगा? यस जल्दी से बताओ. 12 पर तो लॉन्ग हैंड है, शॉर्ट हैंड कहाँ है? 9 पर. तो ये क्या बन जाएगा? 9 o'clock. ओके, ये चीज़ होगी. नेक्स्ट, और क्या कर सकते हो आप इसको? अगर मान लो ये यहाँ पर है, लॉन्ग हैंड कहाँ है? 12 पर. और शॉर्ट हैंड कहाँ है? 3 पर. तो ये क्या बन गया? 3 o'clock. ओके, क्या हो गया ये? 3 o'clock. सेम अगर यहाँ पर हूँ तो, अगर 4 पर शॉर्ट हैंड आ गया, लॉन्ग हैंड 12 पर ही है, तो ये क्या बन गया? 4 o'clock. ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसी वे से हमें यहाँ पर करना है बुक में. यस, अब वॉच में देखिए, लुक एट दिस प्रॉपरली. यस, सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर वाला जो है वो तो हमारे पास है लॉन्ग हैंड, और ये मेरे पास है शॉर्ट हैंड. ओके, तो शॉर्ट एंड है, तो शॉर्ट एंड कहाँ है? 4 पर. लॉन्ग एंड कहाँ है? 12 पर. तो ये क्या आ गया? 4 o'clock. क्लियर? तो 4 o'clock क्या होता है? बच्चे अपने घर पर वापस आ जाते हैं. आपने क्या करना है? अब जो मैंने आपको टाइम देखना बताया, वैसे टाइम पे आपने सब मेंशन करना है. यस, आपने क्लॉक को देखना है और उसमें राइट करना है. व्हाट टाइम डज अली वेक अप? कितने बजे वो उठता है? यस, अर्ली मॉर्निंग, 6 o'clock. यस, नेक्स्ट, व्हाट टाइम डज अली ईट लंच? वो लंच कितने बजे खाता है? यस, जल्दी से बताओ. देखो, अब शॉर्ट एंड भी कहाँ है? 12 पर. लॉन्ग एंड भी कहाँ है? 12 पर. तो इसे बोलेंगे बच्चे 12 o'clock. ओके, 4 o'clock मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट, व्हाट टाइम डज अली गो टू बेड? वो अपने बेड पर सोने के लिए कब जाता है? यस, ये शॉर्ट एंड कहाँ है? 9 पर. और जो लॉन्ग एंड है वो कहाँ है? 12 पर. तो ये क्या हो गया? 9 o'clock. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है. आपने ये टाइमिंग देखनी है और यहाँ पर टाइम राइट कर देनी है. जैसे यहाँ पर क्या हुआ? 4 o'clock, राइट, क्योंकि शॉर्ट एंड कहाँ है? 4 पर. और लॉन्ग एंड कहाँ है? 12 पर. ओके, सेम आपने यहाँ पर, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? कहते हैं 2 o'clock ड्रॉ करके बताओ.
तो हम कहाँ पर बना देंगे, शॉर्ट एंड कहाँ बना देंगे, 2 o'clock पर, ये लो 2 o'clock ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट में क्या करना है, 3 o'clock बनाना है, तो लॉन्ग एंड तो 12 पे ही होता है, शॉर्ट एंड कहाँ होगा, 3 पे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 o'clock। नेक्स्ट 7 o'clock, तो हैंड किस तरफ बना दो, शॉर्ट एंड 7 की तरफ। नेक्स्ट 5 o'clock, तो शॉर्ट एंड कहाँ बनेगा, 5 की तरफ। नेक्स्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शो इन द टाइम, 11 o'clock। अब यहाँ पर दोनों ड्रॉ करनी है, यस 12 पर लॉन्ग एंड और कितने करने हैं, 11 o'clock, तो शॉर्ट एंड कहाँ आ जाएगा, 11 पे। नेक्स्ट आप ये ड्रॉ करना 10 o'clock, मैं आपको बता देती हूँ, लॉन्ग एंड 12 पर और 10 पर शॉर्ट एंड, तो ये ड्रॉ हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्या करा है, अब मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ, हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है वो बता देती हूँ, राइट। टाइम बच्चे हमारा चैप्टर था, इसमें मैंने टाइम आपको देखना बता दिया वॉच के हेल्प से, ओके और इस तरीके से आप यहाँ पे सभी राइट कर सकते हो, हैंड्स को ड्रॉ कर सकते हो, किस तरीके से टाइम राइट करना है वो मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेज ऑफ वीक किए थे, संडे, यस रिकॉल करो, फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हमने ये सारा मेंशन करना था, ओके राइट किया। फिर हमने मंथ्स एंड ईयर किया, मंथ्स ऑफ द ईयर, यस क्या आएगा, फर्स्ट वन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमने मंथ्स ऑफ द ईयर किया, राइट। उसके बाद बच्चे आपने मैथमेटिक्स, अब मैंने ए पार्ट तो ये फर्स्ट तो तभी डिस्कस कर दिया था, और सेकंड वाला अब आपने ये भी कंप्लीट कर लेना है, यस। अगर मैं आपको कहूँ 3 o'clock आपने बना के दिखाना, तो कैसे करोगे, लॉन्ग एंड 12 पर, शॉर्ट एंड 3 पर, यस। सिमिलरली आप 6 o'clock भी कर सकते हो, और यहाँ पर टाइम बताना है, ओके और टू वेज में आप राइट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, ये 12 o'clock है, और मैंने आपको बताया था 12 o'clock को कैसे लिख सकते हैं हम, 12:00। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, शॉर्ट एंड 9 पर और लॉन्ग एंड 12 पर, तो ये तो हुआ 9 o'clock, और लिख कैसे सकते हैं इसे, 9:00। ओके स्टूडेंट, और ये मैथमेटिक्स से मैं ऑलरेडी हाफ पहले करवा चुकी हूँ, तो स्टूडेंट ये हमारे चैप्टर की रिवीजन भी होगी, मैथमेटिक्स भी आप खुद ट्राई करना, डू योर सेल्फ, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, ओनली फॉर प्रैक्टिस है, ओके यस। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ओके तो आपने इसे अच्छे से करना है, ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।